हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम दो कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना अंतर है, इसकी मिसाल है तथाकथित कश्मीरी सॉलिडारिटी डे की ये तस्वीरें, जिसका आयोजन लंदन में किया गया और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इसमें शामिल हुए। पाकिस्तान का ये कदम बताता है कि भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर की रणनीति के तहत पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है वो मैक्सिमम कर दिया है इंटरनेशनल फोरम पे, ताकि जो ध्यान उसका भारत की तरफ डाइवर्ट किया जाए, इसके बजाय कि इंटरनेशनल मीडिया को ये पता लगे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान सरकार के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की हवा एक तो इस वजह से निकल गई कि ब्रिटेन सरकार ने इस कार्यक्रम को किसी तरह का कोई समर्थन नहीं दिया, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री को ब्रिटेन में रहने वाले पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के जिस तरह के विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा, उसने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। We said to stop this all terrorist organizations and terrorism side of Kashmir. All Jihadi networks and others, all networks is under the umbrella of Pakistani organizations of is called ISI. They all responsible for the all terrorist in the region, all of in the region. इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि कश्मीर मुद्दे की आड़ में पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और इसके केंद्र में है पाकिस्तानी सेना, जो आतंकवादियों की हर तरह से सहायता कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई जो चाहेगी वही होगा। पाकिस्तान की आर्मी ये कभी नहीं चाहेगी कि भारत में शांति बनी रहे और भारत में कोई चीज होना, तो भारत के खिलाफ और भारत में आतंकवादी संगठनों को भेजना या आतंकवादियों को भेजना, ये पाकिस्तान का एक बिजनेस हो गया है। अपनी ओछी कूटनीति का इस्तेमाल करने के बाद भी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन न मिलना ये बताता है कि वो अलग थलग पड़ चुका है, और तथाकथित कश्मीरी सॉलिडारिटी डे का असफल आयोजन इसकी मिसाल है।